हेलो दोस्तों, नमस्ते। ऋतु रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे शिमला मिर्ची का पकौड़ा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ है शिमला मिर्ची यानी कैप्सिकम दो है और ये 250 ग्राम है, और 100 ग्राम का आलू है, 3 प्याज है, 4। दोस्तों, यहाँ 3 चम्मच बेसन है, ये कॉर्नफ्लावर है 4 चम्मच, और कलौंजी है 1/2 चम्मच यानी आधे चम्मच, और हल्दी 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच। इन्हें काट कर मिलते हैं। दोस्तों, आलू को हम बारीक कद्दूकस कर लिया और उसके बाद 2 बार धो लिए। धो के आलू का एक्स्ट्रा पानी आपको निकाल देना है, इसी से हमने कद्दूकस किया। दोस्तों, कैप्सिकम को भी हमने बारीक काट लिया और उसका दाना आपको निकाल कर फेंक देना है, और प्याज को भी बारीक काट लिया। दोस्तों, अब डालेंगे हरी मिर्ची, उसको भी बारीक काट लिया। दोस्तों, डाल देंगे आलू। दोस्तों, पहले हम नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, अच्छा से नमक लगा लिया। अब दोस्तों, इसमें डालेंगे बेसन और कॉर्नफ्लोर और हल्दी, कलौंजी। दोस्तों, अच्छे से इसका बैटर बना लिया। दोस्तों, देखिए इसमें पानी आपको बिल्कुल नहीं डालना है, और अगर ये ज़्यादा पतला है तो आप इसमें और 1 चम्मच बेसन ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ 200 ग्राम रिफाइंड तेल है और ये गर्म हो चुका है, तो अब पकौड़ा तलेंगे। दोस्तों, गैस को आपको मीडियम टू लो में पकाना है। दोस्तों, पकौड़ा फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। दोस्तों, ये पकौड़ा रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों, ये गर्मा गर्म चावल के साथ आप खा सकते हैं या फिर किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।